साहगंज के वार्ड संख्या 10 में महिला प्रत्याशी रंजना के समर्थन में नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी गीता जायसवाल व महिला प्रत्याशी रंजना के प्रतिनिधि व पति ओम चौरसिया ने किया जनसंपर्क, लोगों से मांगा समर्थन व वोट। आपको बताते चलें कि वार्ड संख्या 10 में नगर पालिका की निर्वर्तमान अध्यक्ष व भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी गीता जायसवाल ने रचना महिला प्रत्याशी सभासद वार्ड संख्या 10 के प्रतिनिधि ओम चौरसिया के साथ जनसंपर्क किया। असभी ने भाजपा के पक्ष में वोट मांगा, वहीं वोटर भी उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। आइए देखते हैं किस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी गीता जायसवाल कर रही जनसंपर्क। कैंडिडेट जो अच्छा हो, जो नगर का विकास करे, जो भी कैंडिडेट जो इस समय जो है बीजेपी का शासन है, अगर अदरवाइज कोई भी पार्टी आती है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। जब बीजेपी की सरकार, जब पार्टी दूसरी रहेगी काम ही ढंग से नहीं होगा, इसलिए बीजेपी को आना जरूरी है। मैं वार्ड नंबर 10 में निकली हुई हूँ। आप हमारे वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं। ये भगवा में एकदम रंग चुके हैं और हम लोग भी जैसे रंगे हुए हैं भगवा में, वैसे भी रंगे हुए हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने हृदय की हृदय से इन्होंने मतलब कि क्या कहें, कमल का फूल जिस तरह है, जिस तरह हमारा ये दुकान में देख रहे हैं भगवा कलर का पूरा कलर का पेंट पेंट सारा कूलर, ये भगवा रंग में रंग डाले, इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि हम लोग भगवा में रंग रहे हैं। वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी हैं, सभासद प्रत्याशी हैं और जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं और हम अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे वोट दीजिए और मोदी जी योगी जी को मजबूत कीजिए। और हमारे चेयरमैन प्रत्याशी गीता भाटी हमारे साथ हैं, हम इनके साथ 2-2 कंप्लेन कर रहे हैं और मतदाताओं से अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को।